हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज के लेक्चर में हम लोग आपके लिए जो टॉपिक लेके आए वो महाराष्ट्र बोर्ड का ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि है यहाँ पे सिमिलैरिटी। और इस चैप्टर की अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें भी इसका अच्छा खासा वेटेज है। इसे बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलैरिटी से आते हैं। हम लोग सिमिलैरिटी के पढ़े, उससे पहले हम लोग को मतलब ज़रूरी है कि हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़े, क्योंकि हम लोग पूरे चैप्टर्स में ट्रायंगल से ही डील करने वाले हैं। मतलब जो भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सब के सब ट्रायंगल पे ही बेस्ड होगा। तो हम लोग अभी ट्रायंगल के बेसिक्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं ये ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ट्रायंगल और इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। और ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं हाइट, जो कि एल्टीट्यूड भी होता है। और लेकिन हम लोग को तो ये पता होता है कि बेस और हाइट, लेकिन हम लोग बहुत बार खुद ही कन्फ्यूज जाते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर अगर दूसरा ट्रायंगल बनाऊँ, सपोज़ मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, तो इसमें अगर आप लोग देखोगे ना तो ये इसका बेस है, लेकिन इसका जो साइड है ना वही इसका हाइट हो जाता है। क्योंकि पिछले वाले ट्रायंगल में क्या था, उसका बीच का जो एल्टीट्यूड था वो हाइट था। अभी मैं एक तीसरा ट्रायंगल बनाता हूँ, इसमें आप लोग और भी ज़्यादा कन्फ्यूज होगे। इसका जो हाइट है ना, आप लोग देखोगे तो ये ट्रायंगल के बाहर लाई कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो इसका जो ये यहाँ पे हो जाएगा बेस और ये होगा हाइट। तो हम लोग बहुत बार गलती से क्या कर देते, जो हाइट है उसका एडी होना चाहिए, लेकिन हम लोग इसको ले लेते ये एसी को, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं करना है। और अगर बहुत बार हम लोग वो तो करते हैं, साथ साथ हम लोग बहुत बार बेस में भी प्रॉब्लम कर लेते हैं। हम लोग ये पूरे को बेस कंसीडर कर देते हैं, बीडी को, लेकिन ये यहाँ पे पूरा बेस नहीं है। हम लोग का जो बेस है वो ट्राइंगल का पार्ट ही है, बाकी तो वो हाइट का एक्सटेंशन है। तो ये हम लोग को बेसिक्स पता होने चाहिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो हम लोग आगे बढ़े, उससे पहले हम लोग एक और बेसिक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, जो कि वो क्या होता है, एरिया। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों को पता होगा वो क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अभी ये हम लोग ने मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि प्रैक्टिस सेट वन जो है उसमें हम लोग पूरा एरिया को लेके डील करने वाले हैं। तो अभी जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप लोग देखोगे तो एरिया को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करें तो जैसे कि आप लोगों ने तो बेसिक्स अभी देखा, अभी इसमें जो पहला प्रैक्टिस सेट है वो टॉपिक पे बेस्ड होगा, वो है रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल। तो आप लोगों ने रेशो तो पढ़ा ही होगा नाइन स्टैंडर्ड में, सेवन में, एट में। तो जैसे अगर दो नंबर दिया थ्री और फोर, तो इसका जब हम लोग रेशो लेंगे तो क्या होगा, थ्री अपॉन फोर। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ पे यूज करना है। जैसे दो एरिया है, तो अगर मैं ट्राइंगल लूँ, एक ट्राइंगल लेता हूँ जिसका यहाँ पे बेस मैं ले लूँगा बी वन और इसका हाइट में ले लेता हूँ एच वन, और एक दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ जिसका मैं बेस लेता हूँ बी टू और हाइट में ले लूँगा एच टू। तो यहाँ पे अगर मैं पहले वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल वन, तो ये क्या होगा, हाफ इंटू बी वन इंटू एच वन। वही एरिया ऑफ ट्रायंगल टू निकालूँ तो ये क्या होगा, हाफ इंटू बी टू इंटू एच टू। तो ये दो हम लोग को एरिया मिला। अभी इसमें क्या बोले, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का हम लोग को रेशो लेना है, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल टू। तो वो क्या होगा, हाफ इंटू बी वन इंटू एच वन अपॉन हाफ इंटू बी टू इंटू एच टू। तो ये हाफ ऑफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल टू होगा बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू। तो ये हम लोग ये पूरे प्रैक्टिस सेट में यूज करने वाले हैं। और इस पर दो स्पेशल केसेस भी बनती हैं। तो स्पेशल केसेस में क्या होता है, पहला केस है कि बेस आर इक्वल, बेसेस आर इक्वल। तो अगर हम लोग बेस को इक्वल कर देंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल टू, यहाँ पे बेस को मैं बी लिख लेता हूँ इंटू एच वन, दूसरे वाले बेस को मैं बी लिख लेता हूँ इंटू एच टू। तो ये बी भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, एच वन अपॉन एच टू। तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल टू हो जाएगा एच वन अपॉन एच टू। ये कब होगा, जब हम लोग क्वेश्चन से दिया होगा बेस आर इक्वल, अगर नहीं दिया होगा तो ये ऐसा नहीं होगा। दूसरा जो केस होता है, हाइट्स आर इक्वल, तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल टू। तो ये मैं बी वन लूंगा एच को, हाइट को मैं एच एच कर लेता हूँ, और बी टू इसमें भी हाइट हमारा एच हो जाएगी क्योंकि इक्वल बोला है, तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, ये बी वन अपॉन बी टू। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल टू क्या होता है, बी वन अपॉन बी टू। कब होगा, जब हम लोग क्वेश्चन से बोला होगा कि हाइट्स आर इक्वल,
तो अगर आप लोग को ये दोनों कंडीशन नहीं भी पता है तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया है इसलिए मैंने बताया, अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके। तो अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, बहुत ही ईजी है। तो प्रैक्टिस सेट वन, उससे पहला क्या दिया है, बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6, फाइंड द रेशो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो मतलब हम लोग को दो ट्राइंगल दिए बेसिकली गिवन में। हम लोग को क्या क्या दिया है, पहले ट्राइंगल का बेस दिया है बी वन कितना दिया है 9, और पहले ट्राइंगल का हाइट दिया है 5, दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस दिया है बी टू यहाँ पे 10 और हाइट दिया है एच टू 6। हम लोग को पूछा क्या है, हम लोग को क्वेश्चन में पूछा है दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, तो ये क्या हो जाएगा बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू। तो बी वन हम लोग कितना दिया है यहाँ पे 9 दिया है, एच वन 5, बी टू 10 और एच टू 6, तो 9 5 कितना हो जाएगा 45 और 10 6 हो जाएगा 60। तो हमारा जो आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, ये क्या हो जाएगा 45 अपॉन 60। अभी ये दोनों कैंसिल होंगे तो हम लोग यहाँ पे 15 का टेबल लेते, 15 3 जा और 15 4 जा, तो दोनों जो ट्राइंगल का एरिया का जो रेशो है एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, वो क्या हो जाएगा 3:4। तो मैंने बोला था ना पहला सम काफ़ी ईजी है, तो ये पहला सम लोगों ने आसानी से कर लिया। तो हम लोग को यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन दिया है वो आप लोग अभी भी स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो। तो उसमें बोला एक फिगर है यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है, उसमें हम लोग को बी बोला है बी सी परपेंडिकुलर है ए बी को और ए डी परपेंडिकुलर है ए बी को। तो और हम लोग को बी सी और ए डी दिया, पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, तो ये क्या हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि इसका बेस वन, तो बेस इसका पहले वाले ट्राइंगल की बात करें तो इसका ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइट, और दूसरे वाले ट्राइंगल की बात करें तो हम लोग इसको भी बेस लिख सकते हैं और इसको भी बेस। सपोज मैंने इसको बेस लिख लिया तो ये उसका हो जाएगा हाइट। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो पहले वाले का बेस क्या है ए बी इंटू हाइट के बी सी, दूसरे वाले का भी बेस क्या है ए बी इंटू हाइट के ए डी। तो ये ए बी कैंसल और बी सी हम लोग को दिया है क्वेश्चन में, बी सी कितना दिया 4 और ए डी भी दिया, ए डी कितना दिया 8, तो ये कैंसल हो गया 4 1 4 4 2 8, तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, ये क्या हो जाएगा 1/2। इसको आप लोग चाहो तो हम लोगों ने जो बेसिस आर इक्वल वाला कंडीशन किया था ना वो कंडीशन के साथ में भी कर सकते हो, आपको सेम ही आंसर मिलेंगे, फिर वहाँ पे हम लोग को ऐसा लिख के काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग मतलब याद रखना कि पिछले समय तो बताया नहीं यहाँ पे कि हम लोग को एग्ज़ाम में लिखना होता है कि रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस एंड हाइट, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि ज्योमेट्री में हम लोग कुछ भी सम करते हैं तो हम लोग को रीजन स्पेसिफाई करना पड़ता है, अगर हम लोग रीजन नहीं देंगे तो हम लोग के हाफ मार्क्स जा सकते हैं। तो आप लोग अगर ये लिख दोगे तो आपके हाफ मार्क्स नहीं जाएंगे, और इसके आगे का जो सम्स होंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। थैंक यू।